हेलो गाइज, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो फ्री टैबलेट वितरण को लेकर के एक अपडेट आई है, उस अपडेट को हम लोग देखेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद में अब हर जिले में जो है फ्री टैबलेट को लेकर के जो है जो डिजिटल सशक्तिकरण की जो बात हो रही थी, तकनीकी सशक्तिकरण की जो बात हो रही थी, उसको लेकर के अब जो है काम शुरू कर दिया गया है और हर एक जिले से अब जो है एक एक करके सारी अपडेट जो है आना शुरू हो चुकी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। लेकिन जो भी साथी चैनल पर नए हैं, अगर आपको चाहिए कि फ्री टैबलेट योजना को लेकर के अपडेट, यूपी स्कॉलरशिप को लेकर के अपडेट या जो भी अपडेट जो आती है एजुकेशन संबंधी, अगर सारी अपडेट आपको बिल्कुल सही तरीके से चाहिए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबा दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यहां पर आपको हम दिखा देते हैं, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है निकलकर कि मुरादाबाद में दूसरे चरण के टैबलेट और स्मार्टफोन जल्द बटेंगे। देखो, अगर आप मुरादाबाद के नहीं हो, किसी और डिस्ट्रिक्ट के हो, तो घबराना नहीं है, सभी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो है अपडेट है। सभी डिस्ट्रिक्ट के जो है डीएम को या सभी डिस्ट्रिक्ट के जहां पर इसकी पहले जो है इसकी सारी जो खेपे हैं पहुंच चुकी हैं, यानी कि जहां पर टैबलेट स्मार्टफोन पहुंच चुका है वहां पर जो इसका काम है वो शुरू हो चुका है। तो ऐसा नहीं कि मुरादाबाद की न्यूज है और आप परेशान हो जाइए, लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में अब यही जो है सारी न्यूज अब चल रही है और इस पर जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। बस यही है कि कोई कोई न्यूज जो है प्रेस के माध्यम से बाहर आ जाती है और कोई कोई न्यूज प्रेस के माध्यम से बाहर नहीं आ पाती है। यहां पर लिखा है कि इस बार मुरादाबाद के करीब 21,000 मेधावियों को स्मार्टफोन और टैबलेट जल्द मिलेंगे। चुनाव के पहले आनन फानन 2,000 लोगों को वितरण किया गया। एक भव्य कार्यक्रम होना था और मुख्यमंत्री के हाथों टैबलेट और स्मार्टफोन बांटे जाने थे, पर वितरण नहीं हो सका। इस बार भव्य आयोजन होगा, इसके लिए तिथि का निर्धारण किया जाना शेष है। मुरादाबाद के अफसरों ने कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करनी शुरू कर दी है। अभी इस सेशन में 9,000 लोगों को टैबलेट और 12,000 छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन वितरण किए जाएंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि तिथि तय करने के लिए जल्द बैठक होगी, यानी कि बैठक भी होगी इसको लेकर के कि किस दिन जो है वितरण होना है मुरादाबाद में। बाकी और जो मुरादाबाद के अलावा जो जिले हैं, 74 जिले और जो बचते हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, सभी जगहों पर आयोजन होगा। या तो हो सकता है आयोजन के माध्यम से किया जाए, अगर आयोजन नहीं होगा तो आपके कॉलेज लेवल पर जो है वो वितरण होगा। लेकिन जो आपके दिमाग में ये डाउट है कि पता नहीं वितरण होगा या नहीं होगा, उन डाउट को आप तुरंत हटा दीजिए, क्योंकि वो जो 1 करोड़ टैबलेट बटना है वो जरूर बटेगा। बस यही है कि कहीं पर पहले बटेगा और कहीं पर लेट में बटेगा। यहां पर लिखा है, आप देख लीजिए, यहां पर और भी चीजें लिखा कि स्मार्टफोन और टैबलेट वितरण के लिए तैयारी पूरी कर ली गई है। चुनाव आचार संहिता की वजह से कार्यक्रम आगे बढ़ गया था। इस बार भव्य आयोजन के साथ मेधावी छात्र छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित करने की तैयारी की गई है। एक बड़े स्थान पर भव्य आयोजन किया जाएगा जहां बच्चों को दोनों सामग्री का वितरण किया जाएगा। तो यहां पर बता दिया है कि यहां पर आयोजन कराया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में आयोजन होगा, कहीं पर तो कॉलेज लेवल पर ही जो है बटेगा। लेकिन इसको लेकर के आपको अपडेट का इंतजार करना होगा, आपको अपने कॉलेज स्तर पर भी बात करनी होगी, आपके पास मैसेज भी आएगा या मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन आती है तो वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।